नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। जी न्यूज पे आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत 100 बड़ी खबरों के साथ। यूपी की दो और बिहार की एक लोकसभा सीट पर चुनाव नतीजे आज, वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट और बिहार की अररिया लोकसभा सीट के लिए आज वोटों की गिनती होगी। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा के नतीजों पर टिकी निगाहें, समाजवादी पार्टी को बीएसपी ने दिया था समर्थन। गोरखपुर और फूलपुर में 11 मार्च को डाले गए थे वोट, 47% और फूलपुर में 37% वोट पड़े थे। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, गोरखपुर सीट आदित्यनाथ के इस्तीफे से खाली हुई थी। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुने गए थे, मंत्री बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ी। गोरखपुर और फूलपुर के नतीजे एसपी बीएसपी के लिए बेहद अहम, 23 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। बिहार के भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीट के नतीजे भी आज आएंगे, जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने पहली बार लड़ा चुनाव। गुजरात में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नारायण भाई का नामांकन विवादों में फंसा, बीजेपी ने फर्जी एनओसी लगाने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी की जनता पार्टी पर एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा, सोनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाना चाहती हैं, एनसीपी उनके साथ है। जया बच्चन के खिलाफ विवादित बोल पर नरेश अग्रवाल के सफाई बयान पर खेद जताया। विवादित बयान पर घिरे नरेश अग्रवाल ने खेला हिंदू कार्ड, राम मंदिर को बताया हर हिंदू का सपना। बीफ बैन को लेकर बीजेपी का दोहरा मापदंड, बीजेपी ने कहा त्रिपुरा में बीफ बैन नहीं होगा। सुनील देवधर बोले, त्रिपुरा में कुछ हिंदू भी बीफ खाते हैं। तेलंगाना विधानसभा से कांग्रेस के 9 विधायक सस्पेंड, 2 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया, कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप।